हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज के बैक पार्ट में डिज़ाइन करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज को हम कटिंग करके रखे हुए हैं और आप जिस तरीके से ब्लाउज का कटिंग करते हैं उस तरीके से कर लीजिए। ये ब्रॉड गला में बना रहे हैं, डिज़ाइन है तो इसका ब्रॉड गला में जो शोल्डर आप लेते हैं तो जितना शोल्डर का माप है उससे हाफ कर लेंगे तो उतना पूरा लेना है यहाँ पे। और ब्लाउज का जिस तरह से कटिंग करते हैं वैसे कटिंग कर लेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे गला का डिज़ाइन के लिए बता रहे हैं। तो ये बुकरम लिए हैं, ये बुकरम है, इसका चौड़ाई है 7.2 है और इसका लंबाई है 12.5। ये डबल करके रखे हुए हैं देखिए। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे, इसका चौड़ाई लेंगे 4.5 और यहाँ से इसका लेंथ लेंगे 2.5 इंच पे और इसको गोल मिला लेंगे। यहाँ पर चौड़ाई इसका ये पूरा रख लेंगे 2 इंच और 7 पॉइंट है तो इसके नीचे भी उतना ही रखेंगे और थोड़ा थोड़ा दूर पर इसी तरह से निशान लगा लेंगे। इसको गोल मिला लेंगे। यहाँ पे 1 इंच यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे पूरा गला का डीप चाहिए 11.5 इंच है तो 11.5 इंच पे ऊपर से देखिए यहाँ से 11.5 यहाँ पर है, यहाँ पे निशान लगा लिए। अब यहाँ से इसका चौड़ाई रखना है 4.5। आप अगर कम चौड़ाई रखना चाहते हैं तो कम ही रखें, 4 या 3.5 पे भी निशान लगा सकते हैं और इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हल्का सा इधर बाहर के साइड में निकालते हुए इसको गोल करना है और यहाँ पर इस तरह से राउंड करना है, सिर्फ यहाँ पे राउंड इस तरह से करना है और यहाँ से इसको बाहर से एक निशान और लगा लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये गला का डिज़ाइन है। अब इसको इस कपड़े में कट करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप बैक पार्ट में जिस तरह से कटिंग करते हैं 1 इंच मार्जिन लेकर के कटिंग करते हैं तो इसमें 0.5 इंच और मार्जिन बढ़ा दीजिएगा, 1.5 इंच मार्जिन लेकर के कटिंग कीजिए। इसको पहले हम यहाँ पर इस तरह से रख करके और पहले बाहर का इधर से हम कट कर लेंगे। देखिए इसको सिर्फ कट किए हैं और यहाँ पर बाद में कट करेंगे। ये अस्तर में इस तरह से कपड़ा लेकर इसको पेस्ट कर लेंगे, इसमें ये अस्तर वाला रखेंगे और इसको हटा लेंगे। इस फैब्रिक के जगह पर हम गोल्डन कलर का फैब्रिक ऊपर में लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 पॉइंट इसका चौड़ाई थोड़ा सा कम कर लिए हैं तो इसको 2 पॉइंट कम करके हम कट कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत किनारे आ जा रहा था तो इसको अगर हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और फिर जब स्लीव्स लगाएंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन कट जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा चौड़ा ही रखे हैं और इसको कम कर दिए तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया। इस तरह से ये पेस्ट कर लिए हैं दोनों को और ये गोल्डन में जो कपड़ा है इसको इसके ऊपर लगाएंगे। तो अभी इसको हम हटा लेते हैं, इसको इसके किनारे किनारे अटैच कर लेंगे। इस तरह से सिल लिए और इसको बराबर से कट कर लिए। अब ये इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पर, तो ये एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड लिए हैं, इसको हम इसमें लपेट लेंगे। तो ये मेरे पास खुला वाला भी है तो इसको हम हाथ से इसको लपेट लेते हैं।
इस तरह से लपेट लिए हैं और ये बॉबिन केस में इस तरह से डालेंगे। अगर ये आपका टाइट है तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज कर लीजिए तो ये यहाँ पे फंस जाएगा। और अब नीचे लगा लेंगे। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूर पे। अब हम इसी लाइन पे मशीन चलाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये लाइन बन गया। इसी तरीके से सभी को बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बन गया। अब दोनों साइड में पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए मेन फैब्रिक कट कर लिए हैं। छोटा छोटा पीस था उसको तिरछा में कट किए हैं, क्योंकि अगर सीधा से कट करेंगे तो ये इसमें फिट नहीं बैठेगा, तो तिरछा से कटिंग किए हैं। इस तरह से देखिए पट्टी जोड़कर बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। अब ये पाइपिंग का थ्रेड लिए हैं, इसको इस तरह से रखेंगे और इधर से पलट कर और इसका बीच में एकदम यहाँ किनारे से सिलाई करेंगे। ये देखिए इसका सिलाई दिख नहीं रहा है, बस इसी तरीके से सिलाई करना है। अब दूसरा साइड में हम बाद में लगाएंगे। अब इसको साइड करेंगे और ये फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को पहले हम चारों तरफ से ज्वाइंट कर लेंगे। ये सिलाई कर लिए और चारों तरफ से जो कपड़ा बड़ा था उसको कट कर लिए बराबर करके। अब इसको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ करके और कट करेंगे। अब इसको इस तरह से मोड़कर और इधर सिलाई करेंगे। अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर में हम कट लगाएंगे और इसका सेंटर यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। इसमें भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और कट से कट मिलाकर और यहाँ पर मिलाकर इसको एक सिलाई यहाँ पे चाप ले रहे हैं।
इसके किनारे यहाँ पर एकदम जस्ट इसके बगल से सिलाई करेंगे। अब दो पॉइंट यहाँ पर छोड़कर और कट करेंगे। यहाँ पे कट कर लिए हैं और सिलाई के अंदर ही कट किए हैं। अब इसको हम पलट लेंगे और पलट के एक सिलाई किनारे से हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब इस पार्ट को लेंगे और इसको यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से एक इंच इधर इसको यहाँ पर रख के और पिन लगा लेंगे। अब सिलाई यहाँ पे करना है, इसके बीच में ही करना है, सिलाई दिखना नहीं चाहिए। बड़ा कपड़ा हो गया है जो आधा इंच ज़्यादा करके ही हम लिए थे कपड़ा लंबाई में, तो इसको सिलाई करने के बाद में इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। और इस साइड तुरपाई कर लेंगे, नीचे में तुरपाई कर लिए हैं। और यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टिच करने से पहले ही यहाँ पे तुरपाई कर लिए थे
और यहाँ पर तुरपाई करेंगे मोड़ के। ब्लाउज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं, और वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो उसके लिए भी कमेंट करें। वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।